तो वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें दिया क्या है, टू दैट द प्रोडक्ट ऑफ थ्री पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो अपन तीन इंटीजर ले लेते हैं, ए ए प्लस वन और ए प्लस टू। ठीक है, तो 6 से डिविजिबल होने की कंडीशन क्या है कि वो टू से भी डिवाइड हो एंड थ्री से भी डिवाइड हो, उसे दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन टू से डिवाइड होने की कंडीशन देखते हैं। तो लेट सी अपना कोई इंटीजर है, तो वो टू से डिवाइड होगा, तो उसके क्या क्या रिमाइंडर आएंगे। ठीक है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय टू, तो उसके रिमाइंडर क्या क्या आएंगे, रिमाइंडर या तो जीरो आएगा या फिर वन आएगा। ठीक है, तो जीरो कब आएगा, जब वो फुली डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टू सी, सी कोई इंटीजर है, वेयर सी इज अ इंटीजर। ठीक है, ओके, तो जब फुली डिवाइड होगा तो उसे अपन टू सी लिख सकेंगे। ठीक है, और अगर फुली डिवाइड नहीं हो रहा है और रिमाइंडर वन आ रहा है तो क्या आएगा, टू सी प्लस वन। ठीक है, अब अपन केस लेते हैं कि तो फॉर ए इज इक्वल टू टू सी, ए प्लस वन क्या हो जाएगा, ए प्लस वन हो जाएगा टू सी प्लस वन, और ए प्लस टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू सी प्लस टू। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसमें से टू कॉमन लूं तो क्या आ जाएगा, टू इंटू सी प्लस वन। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों का प्रोडक्ट प्रोडक्ट करूं तो क्या आएगा, टू सी इंटू टू सी प्लस वन इंटू टू इंटू टू टू इंटू सी प्लस वन। तो देखो इन तीनों में से कोई एक ना एक तो टू से डिवाइड हो गई। ठीक है, जब मैंने ए इज इक्वल टू टू सी लिया है, अब मैं अगर ए इज इक्वल टू 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 सी प्लस वन लूँ तो तीनों का प्रोडक्ट टू से डिवाइड जरूर होगा। ठीक है, तो अपन को ये पता चल गया कि ए इंटू ए प्लस वन इंटू ए प्लस टू ये टू से डिवाइड होंगे, विल डिवाइड बाय टू। ठीक है, अब अपन थ्री से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो अगर इस नंबर को थ्री से डिवाइड होना है, थ्री से डिवाइड होना है, तो या तो इसके क्या क्या रिमाइंडर आएंगे, तो अगर रिमाइंडर चेक करें तो या तो जीरो आएगा या वन आएगा या टू आएगा। ठीक है, तो अगर जीरो रिमाइंडर आएगा तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू थ्री सी हो जाएगा। ठीक है, फॉर सम इंटीजर सी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सी की जगह, क्योंकि सी अपन ने पहले लिया है तो कंफ्यूजन ना हो, तो यहाँ पे अपन बी ले लेते हैं। ठीक है, तो बी एक इंटीजर है। ठीक है, ए हो जाएगा थ्री बी। ठीक है, ओके, अगर रिमाइंडर जीरो है तो। ठीक है, और अगर ए थ्री बी है तो ए प्लस वन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री बी प्लस वन। ठीक है, और ए पे ठीक है, तो देखो जब ए थ्री बी के इक्वल है तो ये तो बिल्कुल डिवाइड हो गई ना थ्री से। ठीक है, तो इसमें डिविजिबिलिटी चेक करने का कोई मतलब नहीं है, तो ये तो डिवाइड हो गई थ्री से। अब अगर ए इज इक्वल टू थ्री थ्री बी प्लस वन देखें तो ये देखते हैं कब कब डिविजिबल होगा, तो थ्री बी प्लस वन तो डिविजिबल नहीं होगा। अब अगर ए प्लस वन की बात करें तो ये हो जाएगा थ्री बी प्लस टू, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। ए प्लस टू की बात करें तो ये हो जाएगा थ्री बी प्लस थ्री, इसमें से अगर मैं थ्री कॉमन लूं तो ये हो जाएगा बी प्लस वन, तो ये डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि रिमाइंडर कोई भी लेने पे कोई एक ना एक वैल्यू तो थ्री से डिवाइड हो ही रही है। ठीक है, तो जो अपना नंबर है ए ए प्लस वन और ए प्लस टू, ये टू से भी डिवाइड हो रहा है, विल डिविजिबल बाय टू एंड थ्री। तो जब ये दोनों से डिविजिबल हो रहा है तो ये सिक्स से भी डिविजिबल होगा, तो द नंबर विल ऑल्सो डिविजिबल बाय सिक्स। तो देयर इज अ रिक्वायर्ड आंसर।